जय हिंद, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल में, जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और ये अमर शहीद लाला जगत नारायण जी की 43वीं पुण्यतिथि पर आयोजित किया गया है, जहां पर बढ़ चढ़कर नौजवान सियासतदान पहुंच रहे हैं और रक्तदान का हिस्सा बन रहे हैं। इन्होंने टारगेट रखा है 400 यूनिट का, तो अंदर चलते हैं, तस्वीरें देखते हैं और देखते हैं कि कितने यूनिट तक अभी वो पूरा कर चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत सर, कैसा यहाँ पे आके अभी महसूस हो रहा है ये? देखो, आज एक महान दिन है, जदों लाला जगत नारायण जी ने 43 साल उस वेले अपनी कुर्बानी दी, जदों पंजाब संताप भोग रहा सी, अज उन्हां दी शहादत नूं मुख रखदे होए अलग अलग जगह ते ऑपरेशन दे कैंप लग रहे ने। उसे कड़ी च संवेदना ट्रस्ट जिहड़ा हमेशा समाज दे सेवा दे कम्मां च अग्रणी रहिंदा, महरूम अरविंद अरोड़ा जी वल्लों बनाया होया, उहनां दे चेयरमैन सुभाष गुप्ता जी, दादू जी, सारी टीम नाल मिल के दादू जी ते पूरा नूं आयोजन कर रहे ने। देखो, सेवा दे बड़े प्रकल्प ने, लेकिन खूनदान सब तों उत्तम आ। असीं साडा दित्ता है कि खतरा ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਕਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਨਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੌਜ ਚ ਜੀ। लेकिन आज के समय में रक्तदान की क्या वैल्यू है, क्या कहेंगे? मैं विश करता संवेदना ट्रस्ट दे पूरे मेंबर नू और उन्ना दे सहयोगियों नू भी, जेडे कि समाज दे हर काम च दुख दर्द लोकां दे बड़ां च अगे आंदे आ। जे अज दी गल करिए लाला जगत नारायण जी दी शहादत नू याद करदे संवेदना ट्रस्ट वालों जिहड़ा इह मैगा ब्लड कैंप दा आयोजन किया गया, ये बड़ा सलाघा दा काम है। देखो, रक्तदान आपां कहिंदे रक्तदान महादान, जीते जी रक्तदान, मरते मरते नेत्रदान। तो जिहड़ी कुदरत दी देन है, उस देन नूं अपने शरीर दा इक हिस्सा समाज दे लोकां दी जान बचाउण वास्ते जिहड़ा असीं दिंदे आ, जिहदा नुकसान कोई नहीं आ, बल्कि शरीर को फायदा होता है, लेकिन एक माइंड सेट होता है, ऐसी सोच लोगों के मन च अंकुरित करने वाले संवेदना ट्रस्ट नूं मैं साधुवाद दिना। और उन्होंने जो अज कैंप लाया, इस कैंप दे राही लोगों की मदद की है, इहदे लई उन्हां दा धन्नवाद भी करना। आपके भी अनगिनत मेंबर यहाँ पे आए हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी रक्तदान कर रहे हैं, कैसे मन में आया कि युवाओं को इंस्पिरेशन दे कि हमें भी जाना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह के कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं? जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात है, मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ और जब मेरी उम्र मात्र 18 साल थी तो मैंने सब वहाँ उस समय रक्त दिया था, और उसके बाद रेगुलरली साल में 2 या 3 बार मैं रेगुलर रक्त देता हूँ। आज भी मन में देने की इच्छा थी, लेकिन कुछ दिन पहले कोई ऑपरेट हुआ है, जिसके कारण मुझे आज एक तरह की इरिटेशन हो रही है कि मैं इस कैंप में अपना योगदान नहीं दे रहा, लेकिन मैं यूथ को इस डोनेशन के लिए मोटिवेट करना चाहूंगा, ये रक्तदान महादान है, इसमें अपना सहयोग करें। सर, आज के समय में रक्तदान को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि आज के समय में ये महादान भी है और जरूरत भी है? रक्तदान महादान, हम लाला जी लाला जगत नारायण की पुण्यतिथि पर 43 में उनकी बरसी पर ब्लड कैंप लगा रहे हैं। ये पिछले साल भी हमने लगाया था, पिछले साल हमने 217 यूनिट इकट्ठे किए थे, इस बार हमारा 400 यूनिट के पार का
टारगेट है, तो रगत देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे आपकी मतलब बीमारियां दूर होती है। मैं यही अपील करता हूँ युवा वर्ग से कि ब्लड डोनेट करें और ज्यादा से ज्यादा करें। धन्यवाद। जब भी हम पहली बार ब्लड देने गए थे तो हम 16 साल के थे, हमें भी बहुत डर लग रहा था। जब भी हमने ब्लड दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद हम रूटीन में ब्लड दे रहे हैं। मैं आज 93 टाइम ब्लड दूंगा, तो 92 टाइम मेरा ब्लड हो चुका है। तो ब्लड देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्लड ऐसी चीज है जो किसी फैक्ट्री में नहीं तैयार होता। ये मतलब ब्लड मानव नहीं दे सकता किसी को, और ब्लड देने से किसी की अपन जान बचा सकते हैं। अमर शहीद लाला जगतनायक जी रक्तदान कैंप पर 43वें पुण्यतिथि पर उनके यहाँ पे जो हमने संवेदना ट्रस्ट की और पंजाब केसरी के एड ज्वाइनिंग से हम ये यहाँ पे ब्लड कैंप लगा रहे हैं। मैं बड़े तहे दिल से रक्तदानियों का शुक्रगुजार हूँ जो इस पीड़ा की घड़ी में सिविल हॉस्पिटल में जो अपना दान ब्लड देने आए हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ ये भी मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि हमारी संवेदना ट्रस्ट, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, पीछे देखिए आप, ये जो एम्बुलेंस हमारी फ्री सेवा चलती है यहाँ पे संवेदना ट्रस्ट की, ये हम कम से कम 7-8 से 10 साल से इसको चला रहे हैं। हमारे स्वर्गीय रविंदर अरोड़ा भाई और ओजस्वी अरोड़ा उनके बेटा और उनकी वैभवी भी बेटी वैभवी अरोड़ा, स्वाति अरोड़ा और हमारे रजनी अरोड़ा भाभी और हमारा सारा परिवार ही अरोड़ा परिवार इस संवेदना ट्रस्ट में शामिल है। और हर वक्त हम तात्पर्य रहते हैं कि किसी का सहयोग कर सके, वो किसी को सेवा दे सके। हर साल हम ये तस्वीर देखते हैं, इस तरह ही महाकुंभ होता है और लोग रक्तदान करते हैं, रक्तदान महादान भी कहते हैं। लेकिन आपके नजरिए से आज पुण्यतिथि इस तरह से जो मनाई जा रही है, कंट्रीब्यूट नौजवान भी कर रहे हैं, सियासी पार्टियां सियासत से उठ के आ रही हैं, कैसा महसूस हो रहा है? देखो जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा जो लाला जगत नारायण जी है, जो उनका बलिदान है पंजाब के प्रति, मैं पंजाब ही नहीं पूरे देश के प्रति ही कहूंगा, जो उनका बलिदान है वो भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जो काम किया, जो उस आतंकवाद के दौर में जो उनके कलम ने काम किया, वो कोई चीज काम नहीं कर सकती थी। उन्हीं की बदौलत है जो आज हम पूरे देश में पीस में रहते हैं। पंजाब केसरी ग्रुप बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, उनकी हमने लाला जगत नारायण जी की याद में ही ये कैंप लगाया है। जैसे आपने भी कहा, रक्तदान एक महादान है, ये हमारी एनजीओ संवेदना की तरफ से लगाया गया है। संवेदना में हम मानते हैं कि हम कहते भी हैं कि दर्द सबको मांझता है। इसका मतलब ये है कि दर्द जब किसी को पीड़ा होती है, वो ये नहीं देखता कि वो अमीर है या गरीब है, पीड़ा हर किसी को एक बराबर होती है। तो जो हम संवेदना में है कि हम फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराते हैं लुधियाना के केवल अंदर, जहाँ भी किसी को जरूरत हो तो लुधियाना में फ्री एम्बुलेंस प्रोवाइड कराते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 95015001, कभी भी किसी को जरूरत हो तो वो इस लाइन पे कॉल कर सकता है। और जो हमारी सेवा ट्रस्ट की तरफ से, वो 24 घंटे है, दिन रात है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा, रक्तदान एक महादान है, हम सबको रक्तदान करना चाहिए, इससे कभी भी खून की कमी नहीं आती, उल्टा नया जब खून बनता है तो वो बॉडी के लिए बेहतर ही होता है। और हमें डरना नहीं चाहिए, हम युवाओं को आगे आके ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि कभी किसी की मृत्यु ब्लड की कमी की वजह से ना हो।